दिखाएगा कौन सा हो आई हाँ सर ऐसे दिखाते हैं हम भी कोई भी बड़ी बात नहीं है नंबर आप फिर इसमें बस लवर हल्दी रहेगा और चार मिनट चाहिए और चार मिनट तीन चीज ये भी डाल अभी प्याज को शिमला मिर्च टेबल थोड़ा इसमें डालो हाँ प्याज को कहते हैं प्याज शिमला मिर्च अब हम ये प्याज को मिक्स कर देंगे शिमला मिर्च फ्राई पैन में पानी गर्म करेंगे अब हम यहाँ पे कैबेज की सब्जी बना रहे हैं कैबेज को हमने दो हिस्सों में बांट कर लंबा लंबा काट लिया और गर्म पानी डाल दिया इसके
डाला गोभी में। सर हम लोग जैसे कैबेज काटा कढ़ाई में, जैसे जीरा डाल के थोड़ा सा कैबेज को रख देते हैं, नमक मिर्च हल्दी डालती ढक देते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम इसको बॉईल कर रहे हैं, कैबेज को नमक डाल के बॉईल कर रहे हैं। नया तरीका सीख रहे हैं सर आज हम। सर फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं नया तरीका। अच्छा नाइस। हाँ जी सर। कढ़ाई में सर भिंडी बनाने लगे, भिंडी बनाने के लिए पहले हमने कढ़ाई ली, अब उसमें तेल डालने लगे। सर तेल और डाल, तेल और इसको ये इसको छोड़ दे और फिर इसमें पानी में डाल डाल पानी में पानी में ओके। जैसे धोते हैं सर, जैसे धोते हैं दो दो के पानी में Thank you.
देना। एक पानी लेकर हमने भिंडी डाल दी और भिंडी को इस कढ़ाई में हमने उड़द की दाल डाली है तेल में। ये हमने थोड़ा राई डाली इसमें, जीरा डालो, ये जीरा हल्दी डालती थोड़ी सी, नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। हींग कितनी डाल दी? हमने इसमें हींग भी डाल दी। हल्की हल्की फ्राई हो रही है और अब हमने ये सूखी हुई लाल मिर्चें डाल दी इसमें तोड़कर, वो कड़ी पत्ता, कुछ टूटे हुए कड़ी पत्ते हमने डाल दिए। अब हम इसमें भिंडी डालते हैं। तब तक हमारी वो पत्ता गोभी वहाँ पर कैबेज जो है बॉइल हो रही है, उसमें हमने सिर्फ नमक डाला है। पानी है वो सूख गया है, कैबेज सूख। ओके। सूख गया है कि नहीं? इसको सब्जी बना जो इसमें हमने पानी डाले बॉइल करने के लिए उसको हम ऐसे सूप यूज करेंगे और जो पत्ता गोभी है उसको हम ऐसे वेजिटेबल अलग से यूज करेंगे। शिमला मिर्च की सब्जी तो हमारी तैयार हो चुकी है। शिमला मिर्च अनियन की सब्जी हमारी तो तैयार है, एक सब्जी तैयार है। अभी भिंडी को सर्व करा रहे हैं।
ये बड़ा है क्या, तो इसमें रहता है ये सूजन बड़ा है शिमला मिर्च और प्याज की सब्जी रेडी के लिए हमें चार आलू भी चाहिए सर, ये साइज चार और आलू का छिलका छिलेंगे।
Yeah, please go. Okay, please go.
हरी भिंडी पर तो पाते की जरूरत नहीं है, ऐसी ठीक है। हमारी लाजवाब भिंडी तैयार है, बहुत परफेक्ट है, ऐसे खाने वाली है। पत्थर गोभी और आलू की सब्जी के लिए हमने कढ़ाई में तेल डाला, पानी डाला था उबालने के लिए, उसको हम छान लेंगे। इसमें ये जो पानी है वो सूप के काम आएगा। नमक के पानी का
ठीक है, सूखे के लिए आलू जो है थोड़े नरम हो रहे हैं। Yeah.
क्या भाई उबल गई ना मैडम? यस सर। वो डाल देंगे इसमें? ये बार अपने चौकीन जैसे नहीं कहीं हो गया बाबा।
ये हमारी भिंडी की, कैप्सिकम की और कैबेज की तीन सब्जियां आज हमारी लंच के लिए रेडी हैं। आप भी बनाइए, अपने परिवार को खिलाइए और फिर हमें फीडबैक जरूर भेजिए आपको ये सब्जियां कैसे लगी। थैंक यू सो मच।